de su lechino dulce en largo día. Porque en casa se उनके अगल बगल से ही उगे आए पौधे और उन्हीं से कह रहे हैं कि हमारा घर में पौधा हुआ है हमारा नाम आगे बढ़वा दो सबसे हाँ आगे बढ़वा दो मेरा मिशन पूरा हो गया सुभाष जिस भावना से मैं संगठन को विश्रृंखलित करना नहीं चाहता जिस संगठन में रह करके मैंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का पाठ पढ़ा था मैं अपने जमीर पर ठीक हूँ कई मामलों में जैसे अभी मैंने कहा कि मैं श्री राम का भजन करूँ तो रख अल्लाह का ध्यान यहाँ पर मेरे ही वाले मुझसे नाराज है ये तो बटिये पे भी कई बार मैं बात कर चुका हूँ आपसे फिर कहता हूँ आपसे कि मैं अपने चरित्र को कहीं से भी लांछित करने की इच्छा नहीं रहता और रहा राजनीति में जाकर के मांग करके कुछ प्राप्त करना ये मेरा उद्देश्य नहीं रहा पार्टी ने 75 साल की सेवा रेखा भेज दी उसमें ये बाहर हुई तो मैं तो 80 का हूँ ये मुझे देगी तो मैं उनसे कहूंगा कि मैं 79 में कंप्लीट करके 80 में प्रवेश कर चुका हूँ और उसमें भी एक साल कम बता नहीं लेकिन इसके पहले तो आपने दाव चल दिया था ना कि तीन ही लड़ूंगा कहा था ना तो पार्टी टिकट देने का सवाल कहाँ से आता है मैं तो गिरता नहीं लड़ूंगा ये लड़ेगी तो तब तो कंडीशन तो पार्टी टिकट देती नहीं इसको देख मेरे पास शेखर जी ने बात करी मुझसे अन्य लोगों ने भी बात करी मुझसे कि कांग्रेस में आ जाओ विद्रोही स्वर जो आपका था वो तो उसी दिन आ गया जिस दिन आपने पार्टी लाइन से बाहर आके बात कही नहीं तो कही ना लेकिन मेरे पास और भी ऑफर है राजकुमार कांग्रेस का भी ऑफर था कि हमारे इसमें शामिल हो जाओ मैंने कहा पार्टी नहीं बदलूंगा फिर उसके बाद तोगड़िया जी आए तोगड़िया जी बोले हमारे यहाँ पर आप आ जाओ हमारी पार्टी से लड़ लो फिर एक हाजी मस्तान साहब की पार्टी चलती है हाजी मस्तान साहब की पार्टी इसके कुछ लोग मुंबई से आज इन्होंने मुझसे कहा कि आप इस पार्टी से लड़ लो वो गए ही नहीं थे कि अरुण गौरी साहब के लोग आ गए हमारी पार्टी से लड़ लो मैंने कहा भैया मैंने ये कहा है कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगा करके पार्टी नहीं छोड़ूंगा आज भी मैं उस पर कायम और अगर मुझे इतनी बड़ी खुजली होती तो कांग्रेस शरीर का दर्द बुला रहा है तो मेरे को कुछ करना भी नहीं पड़ता कार्यकर्ता भी मिलते और ये भी होता पर जिस बातों की मैं आलोचना करता आया हूँ उन्हीं कर्मों को मैं करूँ तो कोई लांछित होने के सिवा सम्मानित होने का काम है क्या गुरु आज देश का परिदृश्य जो है उसमें क्या लगता है आपको दो लोग शाह और शहंशाह भविष्य का क्या रणनीति लगता है आपको चुनाव में स्थिति अच्छी नहीं है और ये जो शहंशाह जो है कार्यकर्ता है उनको शहंशाह मानने को तैयार नहीं है शहंशाह कार्यकर्ताओं से उनका कोई जीवित संपर्क नहीं है वो आदेशात्मक स्वरों में जो बातें कार्यकर्ताओं से कहते हैं उसका परिणाम ये है कि पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कुर्सियाँ खाली दिखने लगती हैं पार्टी के कार्यक्रमों में कुर्सियाँ खाली दिखने लगती कार्यकर्ता नहीं आ रहा है कार्यकर्ता को इसके पूर्व सत्ता प्राप्ति के पश्चात कार्यकर्ताओं को जो सुख सुविधा दी इन्होंने मोटरों में भर करके ले जाना और कम भोजन की व्यवस्था उसी में पूड़ी सब्जी ये वो सब कर देना तो कार्यकर्ता सुविधा भोगी हो गया ये कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता नहीं जो अपने जेब में 5 रुपये देख करके चलता था और सोचता था कि जहाँ भूख लगेगी वहाँ पे 2 रुपये की 22 परवल खा करके मैं फिर पार्टी के काम में लग जाऊँगा जब भारतीय जनता पार्टी के पास वो चने परमल और सेव परमल के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं होता था कार्य तब वो आत्म प्रेरित कार्यकर्ता था ये बटन दबाऊ कार्यकर्ता मोबाइल का बटन दबाओ सदस्य हो गए जानना पहचान खाला बीबी सलाम आप जानते ही नहीं हो उसके भी किसने बटन दबाया है इसका क्या चरित्र है इसका क्या लेन देन है और उसको संख्या विश्व की सर्वश्रेष्ठ सदस्यता वाली पार्टी आप अपने कार्यकर्ताओं वो सारे के सारे लोग कार्यकर्ता जानते अटल जी आते थे घुसते थे
रेसिडेंसी में अपने कमरे में उन्होंने कुर्ता, उनका एक था कि वो बच्चे कमरे में गए कि उन्होंने कुर्ता उतार करके टांगा और अपनी उस धोती को इधर कंधे पर टांगा और मैदान में आ जाते थे। कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती रेसिडेंसी में और वो कार्यकर्ताओं के बीच में आ जाते थे, आइए कौन कौन मेरे साथ फोटो खिंचवा रहा है, आप कौन कौन की इच्छा है मेरे साथ फोटो खिंचवाने की, याद रखना इंदिरा जी अंदर करने वाली है, वही आए मेरे पास अंदर जाने की भावना रखता है मेरे साथ फोटो खिंचवाने। सब कार्यकर्ता उस क्षण तक कार्यकर्ता तैयार करते जिनको अंदर जाना हो वही खिंचवा, हाँ भी सही आ रहे हैं, इनका कोई जीवित संवाद नहीं कार्यकर्ता, इनका केवल उद्देश्य शाह साहब का केवल उद्देश्य अगर पूछे तो वो उद्देश्य है चुनाव, ये इनके प्रकार है चुनाव के। उनकी कोई ऐसी छवि भी नहीं है कि वो आम कार्यकर्ता उन्हें पहले से जानता ना हो, मध्य प्रदेश में ये आते हैं राकेश जी आकर कार्यकर्ता उनको जानता ही नहीं पहचानता नहीं, उनका कोई व्यक्तित्व इतना विराट नहीं कि जनसत्ता के बीच में उनकी कोई छवि निर्मित हो। जो क्षेत्रीयता से ग्रसे हुए जो ये लोग हैं अपने अपने अच्छा सारे के सारे आ रहे संबंधों के बल पर आ रहे, व्यक्तित्व के बल पर आने वाली जो बात है तो उनको तो कुछ नहीं रहेगा। सर ये सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।